अक्सर एक बात और सामने आती है, भाई सर हम जिम तो आएंगे लेकिन हमारे घर में बोला गया है कि मुझे दोस्तों ने बताया है, मुझे लोगों ने बताया है कि जिम करने से हाइट जो है वो रुक जाती है, इतना बड़ा मिथ है ये। तो आप इस बात को समझिए कि हाइट बढ़ने के लिए तो सबसे ज़्यादा मैं ये बोलूँ कि 70% डिपेंड करता है कि आपका DNA कैसा है। यदि आपके पेरेंट्स जो हैं यदि उनकी हाइट अच्छी है तो आपकी हाइट तो बढ़ना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ उस उल्टा जिम जो है वो आपकी हेल्प करेगा हाइट को बढ़ाने में। जब आप जिम आते हैं तो आपको स्ट्रेचिंग कराई जाती है, स्ट्रेचिंग जो होती है वो हाइट बढ़ने में मददगार होती है। आप चिनअप्स करते हैं, पुलअप्स करते हैं, ये सारी चीज़ें, पुशअप्स जो है, ये चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ों से आपकी हाइट जो है वो बढ़ेगी। रुकी हुई हाइट यदि आपकी है, यदि आपकी हाइट कहीं किसी कारण से रुक गई है, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पूरा आहार जो है, पूरा न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी तरीके से लेना पड़ता है। आपकी बॉडी में सही मात्रा में कार्ब होना चाहिए, सही मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, सही मात्रा में फैट होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में सही तरीके से जाएगी तो आपकी हाइट रुक ही नहीं सकती। इवन यदि आपकी हाइट रुकी हुई भी है तो भी वो हाइट बढ़ेगी। अब यदि आपके पेरेंट्स जो है वो ऑलरेडी उनकी हाइट जो है वो कम है, सपोज़ 5 फीट के हैं, 5 फुट 2 इंच के हैं, और आप यदि एक्सपेक्ट करें कि भाई मुझे 6 फिट का हो जाना है, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ ये भी होता है कि जिम करने से आपकी हाइट जो है वो बढ़ती भी है। मेरी खुद की हाइट जो है वो 37 की एज में 1 इंच बढ़ी है दोस्तों। मैं 5 फुट 5 इंच का था, लेकिन 37 एज के बाद जब मैंने वर्कआउट को फिर से स्टार्ट किया और मैंने अब देखा कि मैं 5 फुट 6 इंच का हूँ, तो मेरी हाइट तो है जो बड़ी है। इसलिए ये बोलना कि जिम से हाइट जो है वो कम होता है, हाइट नहीं बढ़ती, ये पूरी तरीके से गलत है। मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ। और हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो उम्र जिसमें आपकी हाइट जो है वो बढ़ने का दौर होता है, जैसे मैं बात करूं कि 13 साल से 20 साल 22 साल की एज जो होती है, इसमें हाइट जो है वो आपकी बढ़ती है। तो आपको यदि हाइट को लेकर यदि इतने ही आप बहुत सीरियस है, तो आप जो हैं जो ऐसे एक्सरसाइज जिससे आपके स्पाइनल कॉर्ड प्रेस होता है, सपोज़ मैं बात करूं कि जैसे आप स्क्वाट्स है, स्क्वाट्स को आप मत लगाइए, आप हैवी स्क्वाट मत करिए, और यदि करते हैं तो करने के बाद आप स्ट्रेचिंग कीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं, और आज के समय में तो स्क्वाट्स के और भी बहुत से वेरिएशन आ गए। आप आजकल फ्रंट स्क्वाट भी आता है, आप हैक स्क्वाट्स को अपने स्क्वाट्स को लेग्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिमों में जिससे आप अपनी हाइट को आसानी से बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ कुछ हद तक आप यदि आपको प्रॉब्लम है, यदि आप चाहते हैं, और पुराने मिथ्स भी हैं कि आप स्क्वाट्स को छोड़ दिए, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं आपको हाइट को बढ़ाने में आपको मदद करेगी, ना कि आपकी हाइट इसमें रुकेगी। तो इस मिथ्स को ज़रूर क्लियर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिम जाने से हाइट जो है वो रुक जाती है।